वेलकम टू मंत्रा एजुकेशन हब। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कोवर्किंग कंडीशन क्या होता है, ऑटिज़म के साथ कौन कौन सी कोवर्किंग कंडीशन दिखाई देती हैं, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था एंग्जाइटी के बारे में, उसका मैनेजमेंट, और ओसीडी के बारे में कि ओसीडी क्या होता है और उसका मैनेजमेंट। तो आज की क्लास जो है हमारी रहेगी सीज़र्स के बारे में। हम जानेंगे कि सीज़र्स क्या होता है और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर ऑटिज़म बच्चों के साथ ये दिखते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल पे आने वाली अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए बगैर बिल्कुल मत आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीज़र क्या होता है या एपिलेप्सी क्या होता है। बात करते हैं सीज़र और एपिलेप्सी की। सीज़र और एपिलेप्सी एक तरीके से कह सकते हैं हम ब्रेन में होने वाली एक्टिविटी या कंडीशन की वजह से आते हैं, और ब्रेन में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैं बात कर सकती हूँ, जिसकी वजह से सीज़र्स आते हैं। जब इस ब्रेन में जो है अगर अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उस दौरान पर बहुत सारी अनयूजुअल मूवमेंट्स बच्चों में दिखाई देती हैं। बॉडी मूवमेंट्स हो सकती हैं, शिवरिंग जो है बच्चों में आ सकती है, अनकॉन्शियस जो है हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है अनयूजुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग सीज़र्स और एपिलेप्सी देखने को मिलती है। और सीज़र और एपिलेप्सी जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों में 20-30% जो है वो देखने को मिलता है। मोस्टली जो है ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन जो 5 ईयर्स के होते हैं या टीनेजर तक जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में। हालांकि सीज़र और एपिलेप्सी जो है बहुत कॉमन है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में। स्पेसिफिक अगर न्यूरो रिलेटेड एक्टिविटी है लाइक CP, ID, इनमें जो है बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है सीज़र एपिलेप्सी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके मैनेजमेंट को ध्यान रखना, क्योंकि एज अ स्पेशल एजुकेटर आपकी ड्यूटी बनती है अगर ड्यूरिंग क्लास अगर बच्चे को सीज़र आ जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है सीज़र के दौरान भी और सीज़र से पहले या सीज़र के बाद में, तीनों कंडीशंस में आपको क्या करना है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू आज हम बात करेंगे CDC वो क्या कहता है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए ड्यूरिंग और आफ्टर जब सीज़र्स आ रहे हैं, एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग क्लास, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू CDC जो है फर्स्ट एड बताता है सीज़र का, ये जो बताया गया है CDC के द्वारा 20 जनवरी 2014 में बताया गया है। तो सबसे पहले CDC का कहना है कि जब भी अगर क्लास में किसी बच्चे को सीज़र्स आ रहे हैं तो सबसे पहले एज अ टीचर आपको अपने आप को काम रखना है, हाइपर नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। उसके बाद जो आसपास उसके लोग खड़े हैं उन्हें रिलैक्स करना है, ऐसा ना हो कि वो हाइपर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे क्या हो रहा है। तो पहले सबसे पहले खुद काम रहे, देन उसके बाद आसपास जो भी लोग खड़े हैं उनको काम रखे। उसके बाद जो है सबसे पहले जो लोग हैं उन्हें काम तो रखना ही है, उसके बाद उनको साइड भी करना है, उसके पर्सन के पास से हटाना है ताकि फ्रेश हवा जो है उसे मिल सके। इसके अलावा जो CDC कहता है कि आसपास जो भी उसकी इंजर्ड की चीज़ें हो सकती हैं, कोई नुकीली हार्ड शार्प, तो आप उनको जो है साफ़ करेंगे, हटाएंगे, ताकि बच्चा जब शिवरिंग हो रही हो या अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स हो रही हो तो कहीं उसको जो है कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ड्यूरिंग सीज़र अगर बच्चे को बेड पे जो है सीज़र आ गया है या चेयर पे बैठे बैठे आ गया है, टेबल पे लेट गया है वो, तो उस दौरान उसको जो है ज़मीन पर नीचे जो है लेटा देना चाहिए, प्लेन जगह पर लेटाना चाहिए, साफ़ क्लीन जहाँ पर देख ले हम नुकीली जगह ना हो, नुकीली या शार्प चीज़ें ना पड़ी हो, तो वहाँ प्लेन जगह पे, और उसके हेड के नीचे कुछ सॉफ्ट जो है कपड़ा या जैकेट या पीलो जो है वो आप रख सकते हैं।
अलावा जो है, अगर उसके सनग्लासेस लगे हुए हैं तो सनग्लासेस आप उतार दें, या हेयरिंग एड लगा हुआ है हेयरिंग एड उतार सकते हैं। इसके अलावा बच्चे ने कोई टाई पहन रखी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ऊपर का उसका बटन जो है नेक वाला, सबसे अबव वाला जो है वो बंद है, तो उसे थोड़ा सा खोल के उसे रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि उसे सांस लेने में जो है वो दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। जब बच्चे को सीज़र आ रहा है और उसकी अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, तो उस दौरान जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ब्रेन में हो रही है तब तक उसकी वो बॉडी मूवमेंट होंगी ही होंगी। आपकी उसे कंट्रोल करने से जो है वो रुकने वाली नहीं है, तो उससे हो सकता है बच्चे को किसी तरीके का हार्म हो। तो जब सीजर्स आ रहे हैं, जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उस मूवमेंट को कंट्रोल करने की जो है कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा जो है, शायद ये कहीं मिथ है इस चीज़ को लेकर कि जब सीजर्स आते हैं तो वो अपनी जीभ जो है वो निगल लेता है, कुछ इस तरीके का मिथ होगा। हालांकि मैंने ये नहीं सुना, लेकिन CDC ये कहता है तो कहीं किसी एरिया में ये चीज़ होती होगी। लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली CDC कहते हैं कि ड्यूरिंग सीजर जो है बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो है बच्चे की वो अनकॉन्शियस मूवमेंट होती है, उसको निगलना और स्वेलो का, आप खिलाएंगे या पिलाएंगे कुछ भी, तो हो सकती है वो चीज़ जो है श्वास नली में अड़ जाए और बच्चे को हार्म पहुंचाए, ब्रीथिंग लेने में उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए उस टाइम पर जो है ड्यूरिंग सीजर जो है बच्चे को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना चाहिए। उस टाइम पे कोशिश ना करें कि उसके कुछ भी खिलाए या पिलाया जाए। जब बच्चे को आप ज़मीन पे लेटा रहे हैं तो उसे कोशिश करिए एक साइड पर जो है लेटा दीजिए, ताकि उसमें अगर मुंह में कुछ उसका है तो वो निकल जाएगा या जो स्लाइवा है वो बाहर आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हम जब सीधा लेटाते हैं बच्चे को ऊपर छत की ओर, बच्चा जब देख रहा होता है तब उस टाइम पर क्या होता है, स्लाइवा हो सकता है श्वास नली में अटक जाए। हम उल्टी साइड जब करेंगे तो जो मुंह में जो भी चीज़ें हैं, अगर बच्चे खाते खाते बच्चे को आ गया है फीड, या फिर जो है स्लाइवा भी हमारा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो श्वास नली में जाने का डर रहता है। तो जब वन साइड करेंगे तो वो धीरे क्या होता है, साइड से अपना वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं बाहर, यानी माउथ जो है पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो श्वास नली में जो है वो बच्चे को कुछ भी अड़ने का जो है डर कम हो जाता है। इसके अलावा ड्यूरिंग सीजर जो है आप माउथ टू माउथ ब्रीथिंग जो है नहीं देंगे, उसकी कोई नीड नहीं होती है बच्चे को, बच्चा ब्रीथिंग जो है अच्छे से ले लेता है। जब तक बच्चे को सीज़र आ रहा है तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। लेकिन सीज़र के बाद अगर बच्चे को ब्रीथिंग नहीं ले रहा है, सीज़र स्टॉप हो चुके हैं आप देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम उस बच्चे को सांस नहीं आ रही है, वो जो है सांस नहीं ले रहा है, स्टॉप हो गई है उसके ब्रीथिंग, उस दौरान जो है आप ये एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग सीज़र जो है आप बिल्कुल ये माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा जब सीज़र बच्चे को जब तक एंड नहीं होता तब तक, उस दौरान तक आपको उसके पास रहना है। मैं रहने का यहाँ पे मतलब नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कर लें, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लोगों को आपको हटा देना है, लेकिन आपको उस दौरान जब तक एंड नहीं होता है सीज़र, एज अ एजुकेटर एज अ टीचर आपको उसके साथ बने रहना है, उसके साथ रहना है। आफ्टर सीज़र आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जब तक बच्चे को सीज़र आ रहा है तब तक तो उसका आप ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन सीज़र के बाद आप देखें कि वो पूरी तरीके से जब तक कॉन्शियस ना हो तब तक उसे कुछ खिलाए नहीं। ये नहीं कि अभी फीस तो रुक गए हैं लेकिन वो पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं, अभी भी बेहोशी की हालत में, तब आप उसे कुछ खिला पिला रहे हैं, नहीं। हो सकता है उस टाइम पे फीड दोबारा ना आ जाए, तो ध्यान रखें उस टाइम पे वो बच्चे जो है जब भी आप कुछ खिला पिला रहे हैं तो वो पूरी तरीके से कॉन्शियस हो। उसके बाद बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करें, ऐसे ना हो कि आप ड्यूरिंग क्लास बच्चे का जो है फीट आया सीज़र आए, तो उस दौरान जो आप एक्टिविटी कर रहे थे आपके डिस्टर्ब हुई, तो बच्चे के साथ जो है रूडली बिहेव कर रहे हैं, या आपका टाइम ज़्यादा लग गया, या कुछ आपकी एक्टिविटीज़ जो है आपकी बढ़ गई एज अ टीचर जो है, तो आप उसके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, या उसे इस चीज़ के लिए डांट रहे हैं कि आपको तो रोज़ सीज़र्स आते रहते हैं, आप पूरी क्लास का माहौल ख़राब कर देते हो। तो इस तरीके से जो है बिहेव एज अ टीचर आपको नहीं करना चाहिए, एज अ फ्रेंडली
बिहेव जो है बच्चे के साथ करना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे को घर जाने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आप पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं कि उसको कोई लेने आ जाए, या उसके साथ किसी ज़िम्मेदार बंदे को, पर्सन को, या ज़िम्मेदार टीचर को, या अपने असिस्टेंट को जो है आप भेज सकते हैं कि वो उसे घर छोड़ के आए। अकेला आप उसको नहीं भेजेंगे। अभी हमने बात करी कि ड्यूरिंग और आफ्टर सीज़र क्या करना चाहिए, लेकिन एज अ टीचर आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको सीज़र आने से पहले भी आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर्स हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको सीज़र्स आते हैं। उसके बाद कौन से बच्चे जिनको सीज़र्स आते हैं उनकी क्या क्या मेडिसन्स चल रही हैं, उसके बाद वो मेडिसन किस किस टाइम पर लेनी है, क्या वो टाइम ड्यूरेशन कहीं आपकी क्लास के दौरान या स्कूल के दौरान तो नहीं आ रहा, लाइक लंच में। अगर बच्चे का लंच, एग्ज़ाम्पल के तौर पर लंच में अगर बच्चे को दवाई लेनी है तो वो आपकी ड्यूटी बनती है कि मेडिसिन जो है बच्चा टाइम से ले ले और जितनी डोज लेनी है उतनी डोज ले ले। तो इसमें जो है वो कह सकती हूँ कि कुछ भी जो है अगर बच्चा लेना भूल जाता है या अगर बच्चे को डोज ज़्यादा चली जाती है या कम जाती है तो एज अ टीचर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अगर कुछ उसको हार्म होता है। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए, और हो सकता है उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है बच्चे की बॉडी पर देखने को मिले। हो सकता है सीज़र ज़्यादा उसको आने लग जाए अगर सही तरीके से डोज उसको नहीं मिल रही है, तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो है पेरेंट्स से जो है कोलाबरेट ज़रूर करके रखें कि बच्चे को अगर सीज़र्स तो नहीं आए हैं, अगर ड्यूरिंग सीज़र्स बच्चे को आ रहे हैं, लाइक एग्जांपल अगर बच्चे को एक दिन पहले सीज़र आया है तो उस दौरान अगले दिन जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा वो कॉन्शियस में ना रहे, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक अपने आप को महसूस करे। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लास एक्टिविटी के अंदर उसे इतना प्रेशर दिया जाए कि वो काम करे ही करे, तो हम उसको साथ जो है थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो है कम करा सकते हैं, या ऐसी एक्टिविटी नहीं करवाएं जिसमें बच्चे का प्रेशर ज़्यादा लगे, तो रिलैक्स ज़्यादा जो है वो रहे, हमारी कोशिश जो है ये रहती है। तो इसलिए पेरेंट्स के साथ कोलाबरेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। होपफुली यहाँ पे आपको सीज़र्स क्या है और सीज़र्स के मैनेजमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं ये क्लास ले चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ सीज़र्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वो क्लास भी डिटेल में ले सकते हैं कितने तरीके के सीज़र्स होते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आपको कोई सीज़र से रिलेटेड या एपिलेप्सी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या इंक्वायरीज है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द दूर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो या समझ आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर आने वाली वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जल्दी से जाइए वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते, शुक्रिया। एक बार एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। बाय बाय।